व्यूअर्स अमित शुभदीप वेलकम बैक टू माय चैनल। सो व्यूअर्स आज हम आप लोगों को बताएंगे कि 9180 इलेक्ट्रोलाइट जो एनालाइजर है अगर वहाँ पे स्टैंडर्ड ए नॉट डिटेक्टेड दे रहा है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, क्या करने से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इस टॉपिक पे ही हम बात करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर न्यू अपडेट पाना है पैथोलॉजी रिलेटेड वीडियोस, ओके एंड फ्रेंड्स मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगती है, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल रहा है तो प्लीज़ एक तो लाइक तो बनती है यार, ओके। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले करना होगा क्या, हम लोगों को जाना पड़ेगा ऑपरेटर फंक्शन, देन चेंज स्नैपबैक यस करना होगा। यहाँ पर देखना होगा दिखा रहे हैं 98% स्नैपबैक है, बट हम लोग चेंज करेंगे तो चेंज स्नैपबैक जाके देन हम लोगों को यस करना होगा। उसके बाद देखिए ये स्नैपबैक का बॉक्स है तो हम निकाल रहे हैं नया स्नैपबैक। तो ये है हमारा नया स्नैपबैक, देखिए ऊपर में एक रबर बैंड जैसे चीज़ रहती है उसको पहले हम लोगों को खोलना पड़ेगा, देखिए इस तरह से। नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, मशीन के अंदर जो स्नैपबैक है उसको निकालना पड़ेगा, देखिए ठीक ऐसे ही जस्ट हम लोगों को बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा उसको तो वो निकल जाएगा। स्नैपबैक को हम निकाल लिए तो देखिए अंदर ऐसी दिखती है, और वो जो रबर बैंड है ना उसको हम को क्या करना होगा, जो ओल्ड स्नैपबैक है उसके मुंह में ये लगा देना पड़ेगा। अगर नहीं लगाए तो वो रिएजन गिर सकती है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम लोगों को नया वाला स्नैपबैक इंस्टॉल करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पे पुश करना होगा, नेक्स्ट न्यू स्नैपबैक इंस्टॉल्ड वो यस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, मशीन में एक ऑटो कैलिब्रेशन लेगा, तो ऑटो कैलिब्रेशन का एंड तक हमको रुकना पड़ेगा क्योंकि वो कैलिब्रेशन हो रहा है वो सारे इलेक्ट्रोड और अंदर जो नया रिएजेंट गया है, तो उसके बाद हम देखेंगे क्या होती है, ओके। तो हमारा कैलिब्रेशन हो गया है और देखिए हमारा मशीन भी रेडी हो गया है। इस तरह से आप लोग जो आप लोगों का प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड नॉट डिटेक्टेड वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके।